सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले तो बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो कि चल रहा है एग्जैक्टली $28,000। जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, थोड़ा सा डम देखने को मिला था, 27,600 तक बीटीसी फिलहाल क्रैश हुआ था, $500 तक तकरीबन, और वहाँ से अभी फिलहाल 28,000 चल रहा है। बहुत ज़्यादा वॉलीडिलिटी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये बात कंफर्म है, पक्की मान लेते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अगर बीटीसी स्टेबल हो जाता है यहाँ पे किसी भी लेवल पे, इट विल बी लाइक ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वहाँ पे ऑल्ट्स कॉइन ब्लॉसम कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त स्पीड पे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल बस मैं इतना ही प्रे करूँगा, मैं तो कहूँगा बीटीसी 30,000 पार ना करे और एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाए, या तो 27,500 या 28,000 के करीब स्टेबल हो जाए। हमारे को ऑल्ट कॉइन के अंदर वहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। राइट नाउ करंटली देर इज़ नो सच न्यूज़ इन द क्रिप्टो मार्केट, जो कि मैं कहूँगा नेगेटिव हो। लेकिन ये बाइनेंस फिलहाल थोड़ा सा स्टक हुआ है, लेकिन दैट डजंट मीन इट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़। ये एक टेक्निकल एरर फिलहाल जो कि दिखाई दिया है, जहाँ पे बाइनेंस फिलहाल हैंग हुआ है और उसकी जो ट्रेडिंग है थोड़ी देर के अंदर फॉर श्योर चलने लग जाएगी। लेकिन ARB, अगर हम टोकन की बात करें तो ARB टोकन के ऊपर हाई वॉलीडिलिटी आपको देखने को ऑलरेडी मिल रही है। आई विल एडवाइस कि उसके ऊपर अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपको स्कैल्प के ऑप्शंस मिल सकते हैं। स्कैल्पिंग करना चाहो तो वहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हो। बट आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर एयर ड्रॉप अगेन, बिकॉज एयर ड्रॉप की सीरीज कंप्लीट करनी ज़रूरी थी। तो आज मैं दो एयर ड्रॉप आपको बताने वाला हूँ। दोनों एयर ड्रॉप बहुत बड़े एयर ड्रॉप हो सकते हैं और इनको आपको करना, मैं कहूँगा, कंपल्सरी है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी फंड है, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो एयर ड्रॉप के ऊपर। 5-10 हज़ार लोगों ने $20,000 कमाए हैं एयर ड्रॉप के अंदर। आर्बिट्रम को अगर एयर ड्रॉप की बात करें तो जिस व्यक्ति ने, जिसने 50,000 टोकन जिसको मिले और $1.4 पे अगर वो स्टेबल भी रहा, तो नियर अबाउट $70,000 का एयर ड्रॉप, वो भी क्या करके, थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा आलस को हटा के, थोड़े से फंड्स को आप कह सकते हो स्पेंड करके, थोड़ा सा रिस्क लेके उन्होंने इतना बड़ा बड़ा एयर ड्रॉप हासिल किया। तो आप भी वो कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू कि आपको उसको सीरियसली लेना है कि नहीं लेना है। तो आज हम बात करेंगे दो एयर ड्रॉप की। पहला एयर ड्रॉप होगा लेंस प्रोटोकॉल का, जो कि कैसे हासिल करना है मैं उसके बारे में आपको पूरी प्रोबेबिलिटीज बता दूंगा, उसको करना ना करना आपके हाथ में है। सेकंड मैं बात करने वाला हूं मेटामास्क के एयर ड्रॉप का, जो कि सबसे बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है, काफ़ी लोग कहेंगे सर मेटामास्क पे तो हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर दिए, लेकिन आपने वहाँ पर ब्रिजिंग एंड स्वैपिंग शायद ना करी हो। जिसको कैसे करना है वो मैं आज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके बताना चाहूंगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं ट्राई करूंगा वीडियो शॉर्ट बने एंड आप लोगों को पूरा समझ आ जाए कैसे इन दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर हम एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो राइट नाउ थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग करना, लेकिन अगर बीटीसी स्टेबल हो तो यहां पे आप शॉर्ट टर्म एंट्रीज क्रिप्टो के अंदर, ऑल्ट कॉइन के अंदर भी ले सकते हो। अगर BTC पंप होता है तो फॉरगेट अबाउट ऑल्ट कॉइन, बिकॉज अभी ऑल्ट कॉइन फिलहाल पंप नहीं होंगे जब तक BTC स्टेबल नहीं होगा और डोमिनेंस थोड़ी सी गिर नहीं जाएगी। अब चलते हैं लेंस प्रोटोकॉल और मेटामास्क के अंदर क्या कुछ टास्क करने हैं आप लोगों को, जहां से आप एयर ड्रॉप हासिल कर सकते हो उसको जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आलसी मत बनना, वीडियो को लाइक अभी के अभी जरूर कर देना। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, जल्दी से डिस्कशन करते हैं लेंस प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके का ट्विटर सोशल हैंडल है, लेकिन Web3 वर्ल्ड के अंदर। अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के अंदर हम अपनी ईमेल से साइनअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम साइनअप करते हैं अपने वॉलेट के थ्रू, जो कि मेटामास्क वॉलेट होता है, जो कि पॉलीगॉन के ऊपर ये प्लेटफॉर्म बेसिकली चलता है। तो इनका बेसिकली एम है बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्क इज़ हार्ड बट लेंस प्रोटोकॉल मेक इट ईजी। तो लेंस प्रोटोकॉल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का सोर्स है, जहाँ पे Web 3.0 हम कह सकते हैं ट्विटर एंड एवरी अदर सोशल प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। लेंस प्रोटोकॉल बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो फिलहाल नाम कर चुका है ऑलरेडी, और बहुत ज़बरदस्त इसकी हाइप मार्केट में ऑलरेडी बनती जा रही है। अगर हम इनके ट्विटर हैंडल पर चले, लेट्स गो टू लेंस प्रोटोकॉल, तो हम आपको दिखाई देगा 280,000 पीपल ऑलरेडी इनको फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाम इनका हो रहा है और इनके एयर ड्रॉप की भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हवा है। लेकिन अब इनके एयर ड्रॉप में हासिल करने के लिए हमारे को सबसे पहले चाहिए होता है इनका लेंस प्रोफाइल। अब लेंस प्रोफाइल हासिल करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले तो lens.xyz, जो कि इनकी मेन वेबसाइट है। अब आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा क्लेम हैंडल। क्लेम हैंडल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या आप एलिजिबल है कि नहीं, जो कि आप नहीं होंगे। तो आपको जाना पड़ेगा ओपन सी के ऊपर, और ओपन सी के ऊपर इस प्रोफाइल इस पेज के ऊपर जाना, जो कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे लेंस के प्रोफाइल
मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रोफाइल की वैल्यू जो है वो है फॉर एग्जांपल $192, $193. मैंने अभी अभी आप लोगों को प्रोफाइल दिखाने के लिए बाय किया था लगभग $200 का USDC का ये प्रोफाइल। ये प्रोफाइल बाय करना नियरली कंपलसरी है बिकॉज आपका यहाँ पे प्रोफाइल होना जरूरी है, और प्रोफाइल के अंदर आपको अपने प्रोफाइल को एडिट करना है, लोगों को फॉलो करना है, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप उनको उनकी पोस्ट को रीट्वीट करेंगे, शेयर करेंगे, मिरर करेंगे। इससे आप लोग इनके प्रोफाइल के अंदर अपनी एक्टिविटी को दिखाओगे और आप फिर एलिजिबल हो सकते हैं इनके एयर ड्रॉप का, जो कि काफ़ी बड़ा हो सकता है। और मान सकते हैं आप लगभग सभी एक्सचेंज के ऊपर हमारे को ये टोकन आने वाले टाइम में दिख सकता है जितनी इसकी हाइप बन रही है। यस, अगर आप आज से 4-5 महीने पहले इसको ज्वाइन करते तो शायद आपको ये मिल जाते मैं कहूँगा प्रोफाइल $10, $20, $15 के, लेकिन अभी इनकी कीमत चल रही है लगभग $190। अगर आप चाहो तो इनको बिड लगा के भी बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसको बाय करना है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, पॉलीगॉन नेटवर्क से मैं अपने मेटामास्क को कनेक्ट करूँगा और इसको मैं USDC के थ्रू बाय कर लूँगा। फिलहाल मैंने अपना एक प्रोफाइल बाय कर लिया है जिसका नाम है quickmoney.lens। इस प्रोफाइल को आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको दूंगा भी प्रोफाइल को, जिसको आप जाके फॉलो ज़रूर कर लेना, बिकॉज देन मैं भी एलिजिबल हो सकता हूँ एयर ड्रॉप के लिए और आप भी। मैं इधर यहाँ पे मेरे को प्रोफाइल को काफ़ी एडिट करना है, जो कि मैं आपके सामने करना चाहता था, दैट इज़ वाई मैंने अभी कुछ भी एडिटिंग नहीं करी है। तो मैंने इसको बाय कर लिया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब बाय करने के बाद मेरे वॉलेट पे ये आ गया है प्रोफाइल। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ मेरा प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपने प्रोफाइल को आप चाहो तो शेयर कर सकते हो ट्विटर के ऊपर, जो कि मैं यहाँ पे भी करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अनटिल मैं अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा एडिट कर लूँ। तो अगर मैं अपने एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ तो एडिट प्रोफाइल के ऊपर मैं फ़ोटो को चेंज कर देता हूँ एंड हम ट्राई करते हैं अपलोड अ फाइल और हम लगा देते हैं यहाँ पे अपना लोगो। आई होप कि ये कंपेटेबल होगा। तो यहाँ पे मेरे को एक ट्रांजेक्शन पूरी करने को करी जाती है, पूछी जाती है, तो मैं उसको कर देता हूँ साइन। कोई भी ट्रांजेक्शन फीस उस ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं लगेगी। मैं अपने प्रोफाइल को फिलहाल कर रहा हूँ एडिट, सिर्फ कन्फर्मेशन होगी कि आप इसको पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन आपसे उसकी फ़ीस नहीं ली जाएगी। आई होप यहाँ पे मेरा लोगो, ओके यहाँ पे मेरा लोगो फिलहाल आ गया है। अब मैं एडिट प्रोफाइल पर दोबारा क्लिक करता हूँ और ट्राई करता हूँ यहाँ पे नाम को चेंज करने का। यहाँ हम लिख देते हैं वाइस एडवाइस, लोकेशन में लिख देते हैं दुबई, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल हमारा ट्विटर का हैंडल का प्रोफाइल जो हमने यहाँ डाला हुआ है वही हम यहाँ डालने की कोशिश करते हैं। कवर पिक्चर को हम ट्राई करते हैं अगर हम यहाँ से निकाल पाए। Let us try to put cover picture. अगर डल जाए तो अच्छी बात है, नहीं डलेगी तो कोई और फोटो को डाल देंगे। फिलहाल आई एम ओवर हेयर ट्राइंग कि आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ आ जाए। हैंडल विदाउट द एट द रेट, तो हम हैंडल का नाम रख देते हैं वाइज एडवाइस। वेबसाइट अभी हम कुछ भी नहीं डालते, शायद ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर अपना यूट्यूब ज़रूर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना यूट्यूब और कर देता हूँ इसको सेव। समथिंग वेंट रॉन्ग मेरे को लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि शायद कहीं पे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो गए होंगे या शायद कहीं पे हमने कुछ गलत इंस्ट्रक्शन को फ़िलहाल डाल दिया होगा। लेट मी कैंसिल एंड ट्राई अगेन। पेज को हम कर रहे हैं रिफ्रेश। लोकेशन अगेन हम डाल देते हैं वाइज वाइज। ओके हम करते इतने पोर्शन को सेव। ओके यहाँ पे भी इशू आ रहा है, यानी कि शायद यहाँ पे स्पेस लेना ही अलाउड ना हो, तो आपको टेस्टिंग एंड एडिटिंग करनी पड़ेगी उसको कि आपका। लेट अस सी कि अब सेव होता है कि नहीं होता। तो मैंने अभी भी डाला है तो अभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, डोंट नो वाई। लेट मी सी कि मैं पॉलीगॉन नेटवर्क पे हूँ कि नहीं। मैं पॉलीगॉन नेटवर्क पे भी हूँ, डोंट नो वाई ये इशू आ रहा है फिलहाल। लेकिन आपके अपने प्रोफाइल को यहाँ पे एडिट करना कंपलसरी है। यूज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल फॉर दिस वॉलेट, जबकि आपके सामने वॉलेट के ऊपर मेरी फ़ोटो चेंज हो गई है। यहाँ पे आप अपनी सेटिंग अप्रूव फॉलोइंग की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पहले करना है ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करो अपने प्रोफाइल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्रोफाइल को शेयर कर रहा हूँ। आई मेंटेड माई ओन प्रोफाइल, यहाँ पे यही पोस्ट को लिखा हुआ जाएगा कहाँ पे,
मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर। तो आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल से, ये जो प्रोफाइल मैंने अभी अभी शेयर किया है, इसको जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। ये मेरा प्रोफाइल है, मैं इसका लिंक भी आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे इसके अंदर, और आपके अकाउंट में लिखा हुआ आएगा आप ज़्यादा लोगों को फॉलोइंग कर रहे हैं। तो जब क्राइटेरिया आएगा इंटरेक्ट करने का एयर ड्रॉप से पहले, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अपने लोगों को फॉलो किया होगा और आपको ज़्यादा लोगों ने भी फॉलो किया होगा। तो इस क्राइटेरिया को ध्यान में ज़रूर रखना। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, और अभी भी ट्राई करते हैं हम एक बार और कवर पिक्चर को चेंज करने का। लेट अस सी वन बाय वन कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही है कि नहीं। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है जो कि नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम फिलहाल अपडेट नहीं हो रहा है। एनी हाउ, दिस इज़ माई प्रोफाइल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जिसके ऊपर आप जा सकते हो और मेरे को फॉलो फिलहाल कर सकते हो, जिसका नाम है @quickmoney.lens। ठीक है, मैं इसका नीचे लिंक दे दूंगा। अब ये काम करने के बाद, जब आपने प्रोफाइल को आपने एडिट कर लिया है, आपको जाना है, अगर आप बॉटम पे देखें, लेंस्टर के ऊपर। जब आप लेंस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिसका नाम है क्विक मनी, जो कि मेरा यहाँ पे प्रोफाइल है। यहाँ पे जो मैंने पोस्ट डाली है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई आ गई, प्लस यहाँ पे मेरे को काफ़ी अब मेरे को करना है इंटरेक्ट। अब आप प्लेटफॉर्म को देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी हद तक ये है ट्विटर की तरह प्रोफाइल। मैं जाता हूँ अगर होम पेज पे, यहाँ पे किसी ने कोई पोस्ट लिखी है तो मैं इसको कर दूंगा लाइक। मैंने इसको अगर जब लाइक कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ रीट्वीट। तो रीट्वीट जब मैं करता हूँ, उसे कहते हैं यहाँ पे मिरर करना। उसको आपसे पूछा जाएगा साइन करना ट्रांजेक्शन को, तो आप उसको साइन इन कर दोगे, तो आपका अब ये हो गया रीट्वीट। और आप कर सकते हो कमेंट इस पोस्ट के ऊपर भी, आई वुड लव टू शेयर लेंस डॉट एक्स वाई जेड विद माई क्रिप्टो कम्युनिटी। तो मैंने जब ये शेयर कर दिया और कमेंट कर दिया, मेरे को एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंफर्म करने को पूछा जाएगा, मैं उसको साइन इन कर दूंगा। और मैंने जैसे इसको साइन इन किया, ये पोस्ट फिलहाल चली गई है इस प्रोफाइल के ऊपर। तो मेरी नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ इंटरेक्शन, नंबर ऑफ फॉलोअर्स जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो सब कुछ हो सकता है एक क्राइटेरिया हो। जैसे मैंने इनको फिलहाल फॉलो कर लिया है, ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा करीबन 50-100 लोगों को, 200 लोगों को यहाँ पे फॉलो कर लिया जाए। लेट अस गो डाउन। अगर हम जाते हैं इनके पोस्ट के अंदर, तो इनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे कि ये आ रहे हैं जिनके 296 फॉलोअर है। मैं इनको क्लिक कर सकता हूँ, मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ। मैंने इसको फॉलो कर लिया है, मैं इनको फॉलो कर लेता हूँ, मैं हार्डन को फॉलो कर लेता हूँ। दीज कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके वजह से हमारे को लेंस प्रोटोकॉल के अंदर एयर ड्रॉप मिल सकता है। तो आपको ट्राई करना है सबसे पहले अपने प्रोफाइल को बनाने का। प्रोफाइल बाय करने के $200 लग सकते हैं फॉर श्योर, जो कि थोड़े महंगे आपको शायद लगेंगे, लेकिन अगर आपने काफ़ी ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म को इंटरेक्ट किया होगा, आपने इनके पे ट्वीट रीट्वीट करी होगी, कंटेंट डाला हुआ होगा आपने इनके सोशल हैंडल के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके क्राइटेरिया ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं देनी है। सिर्फ आप पोस्ट कर सकते हो कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिप्टो, जैसे कि फिलहाल मैं लिख सकता हूँ बाइनेंस इज स्टक करेंटली, जो कि अभी का सिचुएशन है। मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो मैं पोस्ट के ऊपर साइन इन कर सकता हूँ अपनी ट्रांजेक्शन को। जब मैंने ये कर दिया तो मेरी एक पोस्ट, वन पोस्ट मेरी चली गई है लेंस्टर के प्रोफाइल के ऊपर, मेरे प्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ पे यू कैन एनेबल डिस्पैचर टू इंटरेक्ट विद लेंस्टर विदाउट साइनिंग एनी ट्रांजेक्शन, हम इसको भी एनेबल कर सकते हैं, जिसे के बात करने के बाद आपको कोई भी ट्रांजेक्शन को बार बार कन्फर्म नहीं करना पड़ेगा। और DMs करने के लिए भी यहाँ पे आप एनेबल DM का ऑप्शन कर सकते हो। आप आवे के प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आवे का ही ये प्रोडक्ट है जो कि है लेंस्टर, जिसकी वजह से इसके ऊपर हाइप और भी ज़्यादा फिलहाल बन रही है। अब मैंने काफ़ी सारे कुछ प्रोफाइल को फॉलो कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक और फीचर है जिसका नाम है, मैं नीचे जाना चाहूँगा, जिसके ऊपर आपको ये ऐसा साइन दिखाई देगा जिसे हम कह सकते हैं कलेक्ट। तो आप जितनी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो, उतनी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए अपने लिए अपने वॉलेट के ऊपर, वो भी कोशिश ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगा 50-100 आइटम को मैं कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आपने 100+ आइटम को कलेक्ट किया कि नहीं किया अपने वॉलेट पे, वो एक वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है। तो आप बार बार इन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेना, कलेक्ट कर लेना एज मनी आइटम एज पॉसिबल, बिकॉज ये सारी ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट हिस्ट्री के अंदर, अगर हम बात करें ब्लॉकचेन के ऊपर, रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया एज वेल। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है लेंस प्रोटोकॉल, जो कि एक ट्विटर की तरह आप कह सकते हो वेब थ्री वर्ल्ड के अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसका काफ़ी ज़्यादा हाइप है फिलहाल। इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लेना, और एक और चीज़ ज़रूर कर लेना, वो है इनके डिस्कॉर्ड को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज डिस्कॉर्ड फॉलो करना, वहाँ पर एक्टिव रहना भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जाता है हमेशा
किसी भी एयरड्रॉप के अंदर हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल को उसके बाद आपको एडिट करना है, फिर आपको अपने लेंस्टर प्रोफाइल के ऊपर जाना है, वहाँ पे पोस्टेस करनी है और आपको उसको रीट्वीट करनी है, लोगों को फॉलो करना है और फॉलो करवाना है। मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर जाके आप मेरे को इस प्रोफाइल के अंदर ज़रूर फॉलो कर लेना। तो ये आपके सिंपल से कुछ स्टेप्स है लेंस्टर के लिए। लेंस्टर के बाद अगर हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि एक और एयर ड्रॉप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेटामास्क का। मेटामास्क का एयर ड्रॉप के लिए यूजुअली आप अपने मेटामास्क वॉलेट में जाते हो और वहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, आप यूनिस्वैप पे जाते हो, पैनकेक पे उनको ऊपर जाते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, बाय सेल करते हो। लेकिन मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे portfolio.metamask.io का, जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, स्वैप्स कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज कर सकते हो। अगर आपने स्वैप नहीं किया तो स्वैपिंग ज़रूर कर लेना, यानी कि आपने अपने इथेरियम के ऊपर नेटवर्क के ऊपर या पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर ईथर को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना, यूएसडीटी को ईथर में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ब्रिज करना। ब्रिज करना यानी कि अगर आपके पास इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पॉलीगॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे पास यूएसडीसी पड़ा है कुछ $24, मैं इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर इस यूएसडीसी को भेजना चाहता हूँ, ये आप मल्टीपल टाइम कर लेना, उसकी कुछ वॉल्यूम जनरेट कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ 90% लोगों ने ये ऑप्शन को ट्राई भी नहीं किया। वी डिड नॉट फाइंड एनी ऑप्शन फॉर दिस रूट, ट्राई ब्रिजिंग एटलीस्ट $30, क्योंकि मेरे इस वॉलेट में सिर्फ $24 है तो मैं इसको ब्रिज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन येस, आपको मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करना चाहिए इसके ऊपर। मैं अभी मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूँ अपने वॉलेट के अंदर, अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट कर चुका हूँ। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी ब्रिजिंग की, स्वैपिंग की और इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको यूज़ करने की, उसके ज़्यादा एयर ड्रॉप के चांसेस और ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन के एयर ड्रॉप के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, इसको मिस मत करना। मेटामास्क के एयर ड्रॉप के लिए लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं कि मैंने तो ब्रिजिंग कर ली है, मैंने तो स्टेकिंग कर ली है, जो कि आपने नहीं किया हुआ। आप यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए स्टेकिंग भी ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आप स्टेक करके अपने टोकन्स को बाहर भी निकाल सकते हो अगर वो लॉक्ड पीरियड के लिए नहीं है। ऐसे करके मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को भी यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो, जो कि एक वन ऑफ द मोर क्राइटेरिया हो सकता है टोकन पाने का, एयर ड्रॉप टोकन मेटामास्क के। तो इन चीज़ों को इग्नोर मत करना, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं और इसकी वजह से शायद वो एयर ड्रॉप टोकन हासिल भी ना कर पाए, जब भी एयर ड्रॉप हो अगर मेटामास्क का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को लेंस प्रोटोकॉल, मेटामास्क का एयर ड्रॉप, ये दोनों एयर ड्रॉप के बारे में भी समझ आ गया होगा और अभी करंट मार्केट सिचुएशन भी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।